चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव पड़े हो छाले, चल रे कंवरिया शिव के धाम, चल रे कंवरिया शिव के धाम। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चल रे कंवरिया शिव के धाम, चल रे कंवरिया शिव के धाम। महादेव के सभी भक्तों को मेरा यानी श्रद्धा का प्रणाम। फेरी लैंड बाय श्रद्धा में आप सभी का स्वागत है। बोलबम बोलबम की गूंज तो सावन में शुरू होते ही उत्तर भारत में विराजमान हो जाती है। भगवा वस्त्र धारण किए, कांधों पर कांवर लिए, हरिद्वार, काशी, देवधर और अन्य कई स्थानों पर कांवरियों का मेला सा लग जाता है। कहते हैं कि बड़ी पवित्रता होती है इन कांवरियों के मन में, देवता समान स्थान और सम्मान दिया जाता है इन्हें, इसलिए कांवरियों की सेवा जरूर करनी चाहिए, पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि कांवरिया होते कौन हैं और उन्हें इतना पवित्र स्थान क्यों प्राप्त है? कौन था सर्वप्रथम कांवरिया और किसने शुरू की कांवरियों द्वारा भगवान शिव को जल चढ़ाने की प्रथा? आइए जानते हैं। दरअसल कांवर शब्द संस्कृत के कांवरथी से बना है। कांवरथी एक प्रकार की बहंगी होती है जो बांस की फट्टी से बनाई जाती है। यह कांवर में तब बदल जाती है जब इसके साथ वैदिक अनुष्ठान कर गंगा जल का भार इससे जोड़ा जाता है। शिव भक्त इसे फूलमाला और घुंघरू से खूब सजाते हैं और बोलबम का नारा लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर चल देते हैं। कांवरिया बनना ही अपने आप में ही बड़ा पवित्र कर्म है। कांवरिया अपनी यात्रा के दौरान कड़े व्रत नियमों का पालन करते हैं। वह इस दौरान हलचल भरी दुनिया से दूर वैराग्य से जीवन बिताते हैं और ब्रह्मचर्य, शुद्ध विचार, सात्विक आहार और नैसर्गिक दिनचर्या का पालन करते हैं। कांवड़ द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा आखिर शुरू कहां से हुई, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब परशुराम दिग्विजय अर्थात पूरी पृथ्वी को जीत गए थे, तब उन्होंने मैराष्ट्र, जो वर्तमान में मेरठ के नाम से जाना जाता है, यात्रा कर पुरा नामक जगह पर जाकर आराम किया। वह स्थान उन्हें इतना भाया कि वह मोहित हो गए और वहां शिव मंदिर बनाने का प्रण ले लिया। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना के लिए उन्हें पवित्र पत्थर की आवश्यकता पड़ी। तब वह हरिद्वार पहुंचे, गंगा तट जाकर गंगा माँ का अर्जन पूजन कर जब वह वहां से पत्थर लेने लगे तो पत्थर अत्यंत ही दुखी होकर विलाप करने लगे। उन्हें माँ गंगा की गोद नहीं छोड़नी थी। तब भगवान परशुराम ने उनसे वादा किया, जो भी पत्थर वह गंगा मात की गोद से ले जाएंगे उसका वह चिरकाल तक गंगा जल से अभिषेक करेंगे। फिर भगवान ने एक पत्थर लिया और पुरेश्वर महादेव नामक मंदिर की स्थापना कर वहां शिवलिंग की स्थापना की। भगवान परशुराम स्वयं श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को कांवड़ में जल लेकर पुरेश्वर महादेव में अभिषेक किया करते थे। तब से श्रावण मास में शिव भक्त गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर पुरेश्वर महादेव में जलाभिषेक करते हैं। जैसा कि ज्ञात है, हमारे महादेव नीलकंठ भी कहलाते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन से निकले विष से सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने स्वयं ही विष धारण कर लिया था। विष का ताप इतना अधिक था कि इंद्रदेव ने जमकर वर्षा की और तो और समस्त देवी देवता ने दूध, जल और पंच तत्व से शिव जी का स्नान कराया। इस कारण महादेव को जब आराम मिला तो वह बेहद प्रसन्न हुए। बस तब से श्रावण मास में शिव भक्तों ने शिव जी को जल चढ़ाना शुरू कर दिया। यह भी कहा जाता है कि जब महादेव ने विष धारण किया तब पृथ्वी पर उनके अनन्य भक्त रावण ने पूरा महादेव में कांवड़ यात्रा कर जलाभिषेक किया,
ताकि उनके प्रभु को आराम मिल सके। दशानन ने ही कांवड़ यात्रा को स्वरूप दिया, जो वर्तमान में तो है ही और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो मित्रों, कैसी लगी मेरी सावन और कांवड़ यात्रा की ये कथा? मुझे पता है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसे आगे बढ़ाने के लिए शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव का जाप ज़रूर करें। और आगे ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे पेज फेरी लैंड बाय श्रद्धा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगली कहानी आने तक हर हर महादेव।